मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के अनुसार दून से विधायक रामकुमार चौधरी द्वारा बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एसडीएम कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रामकुमार चौधरी एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और कहा कि जब उनके परियोजनाएं योजनाओं के काम पूरे नहीं हुए थे तो कैसे अधूरे कामों को पिछली सरकार के द्वारा उद्घाटन करवा दिए गए। रामकुमार चौधरी ने कचरा प्लांट कंपनी के एमडी की भी जमकर क्लास लगाई और उन्हें एक समय देकर कहा कि अगर उस समय के दौरान उन्होंने पूरे बीवीएन क्षेत्र का कचरा सही ढंग से उठवाना शुरू नहीं किया तो उनका टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। देखो कि मंत्री मिलेगा सर, काफी उम्मीद रखी है सर। ये भविष्य के गर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और वो किसको मंत्री बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं और केंद्रीय हमारा जो नेतृत्व है उसमें लिस्ट अभी डिस्कस होनी है। अभी हम 4-5 दिन से दिल्ली थे सीएम साहब के साथ, तो मेरे ख्याल 27-28 तारीख तक जो है, क्योंकि मंत्रियों की संख्या बड़ी कम है, 12 मंत्री बनेंगे तो उसमें सीएम साहब डिसीजन लेंगे, जो भी बेटर समझेंगे होगा, अगर जिम्मेवारी देंगे निभाएंगे उसको। इसको 4 करोड़ का पूरा काम है, प्रशासन का काम नहीं है। ठीक है, प्रशासन से आपसे पूछना है कि बताएं ये बंद क्यों पड़ा हुआ है, वो मैकेनिज्म आपने बनाना है, तो ये आप इंश्योर करें विदिन 15 डेज के बाद ये सब आज इनको भेज सारा कुछ एंड पट्टा का इनका आप सर्वेक्षण करिए इसके डीपीआर काम चाल को। ठंडी पेयजल में जिन गांवों का अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिली है उनका तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन जो है एसजी चंडी का है, कितने गांव रहेंगे आपके? ठीक है, उनको स्टीम लेना, आप सोच एसजी साहब के साथ जो को लेके विजिट करिए, सारे स्कीम में लोगों से मिलो कंप्लीट जितने आपके। एनस्टार न्यूज के लिए बद्दी से निर्मल की रिपोर्ट।